अच्छा, कुछ फाइनल टिप्स हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं तो आपसे शेयर करता हूँ कि यू नीड टू राइट यूजिंग डार्क इंक ओनली। दैट मींस के डार्क ब्लू पेन से लिखना, डार्क या ब्लैक से लिखना, और ताकि इट बिकम्स कन्वीनियंट फॉर द एग्जामिनर्स टू रीड द स्क्रिप्ट, टू स्कैन योर कॉपीज। सही है, तो वो काफ़ी विजिबल हो जाता है, उसकी प्रोमिनेंस बढ़ जाती है। कोई भी करेक्शन फ्लूइड या रिमूवर यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है, दैट्स नॉट अलाउड। अगर कहीं पर तुम्हें लगे कि कुछ कट करना है तो बस एक दफ़ा उसे कट कर दो। आपके पास दो मार्जिन्स होंगे, एक क्वेश्चन नंबर का और एक पार्ट का। सही है, तो आपको क्या करना है, उसके ऊपर लिखना होगा क्लियरली कि आपका कौन सा क्वेश्चन नंबर वन है, पार्ट बी है। ट्राई टू राइट दैट क्लियरली। हमारे हिस्ट्री एग्जाम में यू आर गिवन द आंसर बुकलेट। ईच आंसर बुकलेट हैज़ 12 पेजेस एंड यू आर गिवन 33 लाइन्स ऑन एवरी पेज। सो इफ़ यू नीड अ कंटिन्यूएशन बुकलेट, यू कैन आस्क द इन्विजिलेटर, और इन्विजिलेटर से जब भी आप मांगेंगे ट्राई टू मेक श्योर कि यू हैव इनफ टाइम लेफ्ट। अच्छा, बड़ी ज़बरदस्त ज़बरदस्त हैंड राइटिंग होती है सबकी, सो ट्राई टू राइट एज क्लियर एज पॉसिबल। ट्राई टू राइट इन अ रीडेबल फॉन्ट ताकि एग्जामिनर को भी तकलीफ ना हो। वंस यू रिसीव द क्वेश्चन पेपर, ट्राई टू रीड द क्वेश्चंस। सारे क्वेश्चंस को पढ़ना है आपको, देखो कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, ताकि आपको थोड़ी सी फैमिलियरिटी बढ़ेगी, थोड़ा सा आपका फेयर ऑफ अननोन ख़त्म होगा। एंड व्हेन यू रीड अ क्वेश्चन, मेक श्योर दैट यू रीड टिल द लास्ट वर्ड, बिकॉज यू नो वन वर्ड कैन ऑल्सो चेंज द इंटायर प्लान ऑफ द आंसर। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक सवाल आता है, हाउ सक्सेसफुल वॉज द ब्रिटिश एक्सपेंशन इन इंडिया बिटवीन 1750 एंड 1850। अब ये जो सवाल है ब्रिटिश के परस्पेक्टिव से आता है, बट वी ऑल नो देर इज़ अनदर क्वेश्चन इन द सेम टाइम लाइन दैट इज़ अबाउट द इंडियन रेजिस्टेंस, जो कि आपको इंडियन रेजिस्टेंस के हिसाब से लिखना होगा। देखो, गेस्ट पेपर्स वगैरह में इतना भरोसा नहीं करना चाहिए। पूरा साल हमने मेहनत की है, आई हैव ट्राई टू कवर ईच एंड एवरी इंच ऑफ द सिलेबस, यू हैव बिन इन द क्लासेस, तुमने पढ़ा है, मेहनत से पढ़ा है, तैयारियां की हैं, मॉक एग्जाम दिया है, वर्कशॉप ली है, रिवीजन किया है, क्विजेस सॉल्व किए हैं। सो मींस बी कॉन्फिडेंट एंड लेट सी, द गेस इज जस्ट लाइक अ कॉइन टॉस, इट कुड फॉल एनीवेयर। सोर्सेज में आपको ये सिखाया था कि यू नीड टू फाइंड आउट द सरफेस फीचर्स, देन कनेक्टेड विद योर इन्फेरेंस एंड देन योर कॉन्टेक्चुअल नॉलेज। एक दफ़ा ज़रूर लिख लेना, याद कर लेना, और इस तरीके से ट्राई टू कमिट देम इन टू योर मेमरी। इससे आपका थिंकिंग टाइम कम हो जाएगा एग्जाम में, राइटिंग टाइम इंक्रीज हो जाएगा। जस्ट इन केस आपसे पूरा पेपर नहीं हो पा रहा है एंड यू फील लाइक कुछ ना कुछ छूट जाएगा, ट्राई टू राइट इन पॉइंट्स, जल्दी से पॉइंट्स में लिख देना, कुछ खाली छोड़ना नहीं, ब्लैंक नहीं छोड़ना है आपको। मिनिमम क्राइटेरिया इज एक्सप्लेन 4 रीजंस एंड राइट 1 इवैल्यूएशन। लेकिन पूरा साल मैंने अपने स्टूडेंट्स को सिखाया है टू राइट सिक्स एक्सप्लेनेशंस एंड 1 इवैल्यूएशन। ये फारिग अगर आपको लगे कि बहुत टाइम है और थोड़ी सी फरागत में आप डिज़ाइनिंग कर दें बार कोड के ऊपर, ट्राई नॉट टू डू दैट। इससे होगा ये कि आपकी जो आइडेंटिटी है दैट इज़ बार कोड, वो ख़राब हो जाएगी, तो आपके पेपर समझें कि स्कैन होगा ही नहीं। एवरी वन ऑफ यू टू गेट द गुड ग्रेड्स, टू गेट द डिजायर्ड ग्रेड्स, एंड आई विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक। दैट्स इट फॉर टुडे एवरीवन, दिस इज योर टीचर हैसम जावेद साइनिंग ऑफ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।